सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए आज के वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 11 वचन 33। रोमियो की पत्री अध्याय 11 वचन 33। आइए देखें। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, यहां प्रेरित पौलुस बता रहा है, कह रहा है, आ परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। जो परमेश्वर का धन होता है, जो स्वर्गीय धन, स्वर्गीय जीवन और परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान कितना गंभीर होता है। उसके ज्ञान, उसकी बुद्धि, उसके धन कितना ही गंभीर होते हैं। कहता है उसके विचार कैसे अथाह है। परमेश्वर का जो विचार है अथाह सागर से भी गहरा है, क्योंकि उसके विचार को किसी ने नहीं जाना, ना ही उसकी बुद्धि को किसी ने जाना है, ना ही उस परमेश्वर के पास कितना ज्ञान है कोई इसका पता लगा पाया है। वचन कहती है कि उसके विचार क्या ही अथाह है, उसके विचार कैसे अथाह है और उसके मार्ग कैसे अगम है। उसके विचार कैसे अथाह है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर के विचारों का पता लगाए कि उसके विचारों की गहराई कितनी है। उसके मार्ग कैसे अगम है, कहता उसके मार्ग अगम है, उसके मार्ग अगम अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकते, न कभी खत्म हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का जो मार्ग कैसा अगम है। वचन कहती है उसके विचार कैसे अथाह है। कहता है कि प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है। कहता है इस संसार में कौन ऐसा है जो प्रभु की बुद्धि को जान पाए, परमेश्वर की बुद्धि को समझ पाए, जान पाए। कहता है उसका मंत्री आज तक कौन हुआ भाई, जो इतना यानी इतना बड़ी सृष्टि को रचा और स्वर्ग को रचा और सब कुछ की देखरेख करने वाला वह परमेश्वर है। उसके कामों में हाथ बटाने वाला या उसके कामों की देखरेख करने वाला कौन ऐसा मंत्री हुआ, क्या कोई ऐसा परमेश्वर ने मंत्री रखा। कहता है कौन ऐसा मंत्री हुआ। कहता है उसकी बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ जो परमेश्वर को बुद्धि देता हो उसके कामों की देखरेख के लिए। परमेश्वर को बुद्धि देने वाला कौन ऐसा मंत्री हुआ।
वह सवाल करते हुए, पौलुस सवाल करते हुए हमसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर की महिमा कितनी अगम है, उसकी बुद्धि कितनी अगम है, उसके विचार कितने अथाह है। कहता है कि आज तक कौन है जो उसकी बुद्धि का पता लगा पाया, या उसको बुद्धि देने वाला कौन ऐसा मंत्री पैदा हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए। कौन ऐसा आदमी है जो परमेश्वर को पहले कुछ दिया हो, परमेश्वर को पहले कुछ दिया हो कि उस मनुष्य को उसके देने का बदला दिया जाए। कह रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को पहले कुछ दिया हो, बाद में परमेश्वर उसे दिया हो, कि जिसे इन कामों के कारण उसे, उसके कामों के कारण उसे बदला दिया जाए, उसको उसके इन कामों के कारण उसे उसके जीवन में भलाई की आशीष दी जाए। वचन कहती है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो पहले परमेश्वर को कुछ दिया हो जिसका बदला उसे दिया जाए। कहता है कौन ऐसा हुआ कि कोई मंत्री के रूप में जाकर उस परमेश्वर को सलाह दिया हो, या उसे बुद्धि दिया हो, या परमेश्वर को ही कुछ दिया हो। कहता कौन ऐसा हुआ, कहता संसार में कोई ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के बुद्धि का पता लगाए, या उसके विचार का था लगाए, या परमेश्वर को कोई राय मशवरा देने वाला हो, या परमेश्वर को कोई ज्ञान देने वाला हो। कहता है इस संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो परमेश्वर को कुछ दिया हो। कहता है इस संसार में कोई नहीं है कि जो परमेश्वर को पहले कुछ दिया हो, क्योंकि परमेश्वर ने ही सबको दिया है। कोई परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकता और ना ही दिया है। कहता है इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। क्योंकि संसार में जो कुछ तुम देख रहे हो, सारा चीजें किसकी ओर से है, उस परमेश्वर की ओर से, चाहे छोटे कीड़े मकोड़े हो, चाहे बड़े से बड़े जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, किसके ओर से है, परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने ही बनाया है और कहता है कि उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया किसके लिए, अपने लिए बनाया, क्योंकि उसने अपने लिए मनुष्य को बनाना चाहा, तो मनुष्य को बनाने से पहले क्या मनुष्य को आवश्यकता है, उसको बनाया, फिर उसके बाद मनुष्य को बनाया कि मनुष्य उसकी सुने माने और उसकी आराधना करे, महिमा करे, आदर सम्मान करे। तो जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है सब अपने लिए ही बनाया है। इसलिए वचन में वह कहता है कि उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। कहता है इसलिए मेरे प्रियो, जो कुछ आप देख रहे हो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने बनाया और अपने ही लिए बनाया है, इसलिए सारी महिमा उस परमेश्वर की युगान युग होती रहे। इस संसार में कोई नहीं है जो परमेश्वर को सलाह दे या परमेश्वर को कुछ दे सके, क्योंकि जो इस संसार के अंदर है सबको परमेश्वर ही ने दिया है। इसलिए हमेशा उसकी महिमा होती रहे, आमेन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, आज सुबह की प्रार्थना में हर एक के लिए करता हूँ, और अवश्य है कि पूरे दिन परमेश्वर आपको सुरक्षित बचा कर रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्य की चाल चलन पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपने अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक
को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हरे को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हरे को दिया है, आज पूरे दिन हरे को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बलाएं, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हरे को बचा कर रख। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। वो महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए, उनके शरीर की सारी बीमारियाँ दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियाँ नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए, शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके आँखों की परेशानियाँ तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, रीढ़ के हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ के हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हर्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलिया नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर के अंदर पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे देता हूँ, जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ता, बाल झड़ना बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आज्ञा देता हूँ, शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आज्ञा देता हूँ, ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं, वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं, उनको अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चलते रहें। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक को तू अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे, ताकि ये परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पर हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में, हर एक के घर पर आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं, उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में हो, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है, कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं, उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में हे परमेश्वर, अपनी आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, इनके घर, इनके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं तो हे परमेश्वर, लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत, एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर, स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बॉर्डर के नौजवानों के लिए, कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता, उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए, कि परमेश्वर, इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते, परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने,
तुझ पर विश्वास करें, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी, हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश मान कर ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग दूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बने रहे। हे मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो